This is Dr. Arjun Reddy Deshmukh, one of our house surgeons. हेलो दोस्तों, वेलकम टू AS फिल्मी में। आज के इस वीडियो में आपको साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर विजय देवरकोंडा की 10 ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आपको एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस सब देखने को मिलेगा। इन सभी मूवीज को IMDb की तरफ से 6.4 से लेकर 8.5 आउट ऑफ 10 तक का रेटिंग दिया गया है। ये सभी मूवीज यूट्यूब और मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं वर्ल्ड फेमस लवर और नोटा मूवी का हिंदी लिंक भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हमेशा की तरह लास्ट में मैं बोनस मूवी भी बताऊंगा। तो फिर देर किस बात की, आइए देखते हैं साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की टॉप 10 ब्लॉकबस्टर मूवीज। लेकिन काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने फिल्मी मेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नंबर 10, नोटा। साल 2018 में रिलीज हुई ये मूवी एक्शन ड्रामा पर आधारित है, जिसको IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया है और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा महरीन कौर, याशिका आनंद और सत्यराज के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को तो अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, लेकिन आप इसे हिंदी सबटाइटल्स के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। नंबर 9, लाइफ इज ब्यूटीफुल। साल 2012 में रिलीज हुई ये मूवी रोमांस ड्रामा पर आधारित है, जिसको IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया है और 94% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा अभिजीत, नवीन पोली शेट्टी और श्रिया सारन के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, लेकिन आप इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 8, नुबिला। साल 2011 में रिलीज हुई ये मूवी रोमांस ड्रामा पर आधारित है, जिसको IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया और 92% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा हरीश, यामी गौतम और MM कीरावानी के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को तो अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, लेकिन आप इसे तेलुगु लैंग्वेज में यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 7, टैक्सी वाला। साल 2018 में रिलीज हुई ये कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, जिसको सुपर टैक्सी के नाम से हिंदी में डब किया गया है। मूवी को IMDb की तरफ से 7 out of 10 का रेटिंग दिया गया है और 94% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा प्रियंका ज्वालकर, मालविका नायर और शीजू के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को YouTube पर हिंदी में अनऑफिशियली अपलोड किया गया है, तो जल्दी इस मूवी को देख लीजिए। नंबर 6, डियर कॉमरेड। साल 2019 में रिलीज हुई ये मूवी एक्शन रोमांस पर आधारित है, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया और 93% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा रश्मिका मंदाना और श्रुति रामचंद्रन के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को YouTube पर हिंदी में इसी नाम से गोल्ड माइंस टेलीफिल्म चैनल पर ऑफिशियली अपलोड किया गया है। नंबर 5, यवदे सुब्रमण्यम। साल 2015 में रिलीज हुई ये मूवी रोमांस एडवेंचर पर आधारित है, जिसको ये है जिंदगी के नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया और 96% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा नानी सर, मालविका नायर और रितु वर्मा के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को YouTube पर हिंदी में गोल्ड माइंस टेलीफिल्म चैनल पर ऑफिशियली अपलोड किया गया है। नंबर 4, गीता गोविंदम। साल 2018 में रिलीज हुई ये रोमांस कॉमेडी मूवी है, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया और 94% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा रश्मिका मंदाना, सुबा राज और वेनेला किशोर के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को YouTube पर हिंदी में इसी नाम से अनऑफिशियली अपलोड किया गया है। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, अर्जुन रेड्डी। साल 2017 में रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी है, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया और 94% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा शालिनी पांडे और
जिया शर्मा के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में इसी नाम से अनऑफिशियली अपलोड किया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, पेली चुपुल्लू। साल 2016 में रिलीज हुई यह मूवी रोमांस ड्रामा पर आधारित है, जिसको IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया और 95% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा ऋतु वर्मा और प्रियदर्शी के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को तो अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, लेकिन आप इसे तेलुगु लैंग्वेज में मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। नंबर 1, महानती। साल 2018 में रिलीज हुई ये मूवी पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित है, जिसको IMDb की तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया है और 95% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा कीर्ति सुरेश, दुलकर सलमान और समांथा के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी का हिंदी डबिंग स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही कंप्लीट होगा इसका हिंदी डब लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बोनस मूवी वर्ल्ड फेमस लवर। साल 2020 में रिलीज हुई ये मूवी रोमांस ड्रामा पर आधारित है, जिसको IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया है और 77% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा के अलावा राशि खन्ना, इजबेल लाइट और ऐश्वर्या राजेश के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को तो अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, लेकिन आप इसे हिंदी सबटाइटल्स के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये थी साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की टॉप 10 ब्लॉकबस्टर मूवीज। आगे आप किस टाइप की मूवीज देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने फिल्मी मेट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, यूजर आईडी है AS फिल्मी मेट, ताकि आपको नए नए मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट्स वहाँ भी मिलती रहे। थैंक